नमस्कार दोस्तों, कांताज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टेकोस बनाना बताती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियोज आपको पसंद आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको टेकोस का डो लगाना बताती हूँ। 1.5 कप मैंने मैदा ली, 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, इसमें थोड़ा तेल का मोरन दूंगी और काली मिर्च दूंगी, नमक दूंगी, अदरक दूंगी, अजवाइन है और कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी। अब मैं इसमें ये जो 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है वो इसके अंदर मिला रही हूँ। मैदे के अंदर इसमें मैं थोड़ा नमक डालूंगी, थोड़ी ये अदरक जो किसी हुई है ये भी थोड़ी सी दे रही हूँ, थोड़ी ये काली मिर्च दे रही हूँ। एकदम चटपटा टेकोस बना रही हूँ आज। इसमें थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी ये कस्तूरी मेथी है, थोड़ी ये अजवाइन है, अब इसमें ये मैं तेल दे रही हूँ। ये 4 चम्मच मैंने इसमें तेल का मोरन डाल दिया। अब इसको नॉर्मल पानी से ही इसका डो लगाएंगे हम। ये अपना डो लग के तैयार हो गया, ये देखिए। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, उसके बाद इसको बनाऊंगी। ये देखिए, हमारा ये डो तैयार हो गया। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोई बना रही हूँ, इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे जो आपको मैं बताती हूँ। इस तरह से इनके ये पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। अब ये देखिए, मैं इस तरह से इनके छोटे छोटे पेड़े बनाती हूँ। ये गोल गोल पूड़ियाँ, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह इनको बनाएंगे। मैं इनकी ये देखिए इस तरह से गोल पूड़ी बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने ये छोटी छोटी ये पूड़ियां बना ली। अब इनके फोर्क से ऐसे ऐसे खड्डे कर लेंगे कि ये जब अपन फ्राई करेंगे ना तो फूलनी नहीं चाहिए। इन सभी पूड़ियों पे मैं ऐसे ही फोर्क से दोनों तरफ से करना है। देखो दोस्तों, टेकोस के अंदर जो फिलिंग भरेंगे वो हम राजमा की भरेंगे। राजमा को मैंने रात को भिगो दिया था और उनको बॉईल करके इस तरह से तैयार कर लिया। अब मैंने इसमें 5-6 सीटी लगाई कुकर में, नमक और हल्दी डाल के, तो ये सॉफ्ट हो गए एकदम। अब इनको मैं छौंकूंगी, जो उसमें जो जो सामग्री लगेगी मैं आपको ये बताती हूँ। राजमा लिया, प्याज लिया मैंने, ये राई और जीरा है, सॉस है, हींग है, नमक है, काली मिर्च है, अदरक हरी मिर्च है और लाल मिर्च, हल्दी और 0 नंबर की सेव। देखिए दोस्तों, मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है 2 चम्मच अंदर, इसमें जीरा और राई डाली। अब ये आवाज करने लग गई। अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्ची, अदरक ये दिए, ये डाल दी है। अब इसमें मैंने प्याज और लहसुन ये दोनों थोड़ा थोड़ा डाला है, इसमें 2 चम्मच ये भी डाल रही हूँ। अब इसमें अब मैं जो ये राजमा को उबाला था ना कुकर में, 5-6 सीटी लगाई थी, अब इसको हाथ से थोड़ा सा दबा के इसमें हम डालेंगे, क्योंकि इसकी हमें टेकोस के अंदर फिलिंग भरनी है तो ये इतना मोटा नहीं चाहिए। इसमें हाथ से थोड़ा इसको
ऐसे मैश करेंगे और फिर इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, थोड़ी हल्दी, ये लाल मिर्च, ये स्वाद अनुसार नमक। ये हमारा थोड़ा सा पानी इसमें और दे रही हूँ क्योंकि ये सूख जाएगा। ये मैंने रात को एक कटोरी राजमा भिगोया था। ये हमारी राजमा की फिलिंग बनके तैयार हो गई। मिर्च नमक आप लोग को जितना चाहिए उसी हिसाब से डालिएगा। कोई तेज खाते हैं, कोई कम खाता है, उसी हिसाब से अपना स्वाद अनुसार बनाइए। देखिए मैंने इसमें तेल चढ़ाया, अब ये हमारा तेल गर्म हो गया। अब मैं आपको ये फ्राई करना बताती हूँ। ये मैंने जो बेल के रखी थी ना टेकोस की पूड़ियाँ, उनको मैं फ्राई करती हूँ। इसको मीडियम आंच में अपने को करनी है। देखिए इनको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। आपके पास मोल्ड है तो आप कपड़े के ऊपर इस पूड़ी को रख के वैसे भी फोल्ड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसे ये इसको रखा इस तरह, ये जो जरिया है इसको इसके अंदर रखा, फिर इसको चिमटे से ऐसे किया और ये देखिए मेरा ये फोल्ड हो गया। इस तरह से मैं सभी टेकोज को फोल्ड कर लूंगी। देखिए इस टेकोज में मैं ये जो राजमा की फिलिंग बनाई थी ना पहले, ये दे रही हूँ। इसमें आप कोई इच्छा हो तो थोड़ी सी कच्ची हरी मिर्च भी, आप लोग को स्वाद पसंद हो तो दो तीन पीस ऐसे कच्ची हरी मिर्ची भी दे सकते हो। फिर ये प्याज और सॉस मिक्स किया हुआ है, ये दूंगी मैं इसमें। इसकी फीलिंग अच्छे से हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं ये बारीक जीरो नंबर सेव लगाई और इसपे ये हरा धनिया। आपकी इच्छा हो आप बारीक कस के गाजर पत्ता गोभी वो भी दे सकते हो इसमें। देखिए दोस्तों अब मैं टेकोज में फिलिंग भरना बताती हूँ। ये जो मैंने प्याज और लहसुन, इसमें दो तीन गोली लहसुन ली है और दो प्याज बारीक काटा मैंने, इसके अंदर मैं ये सॉस मिक्स करूंगी। सॉस हमें अच्छे से डालना है। और हल्का सा नमक दिया है मैंने इसमें। ये देखिए ये इस तरह से प्याज को सॉस डाल के तैयार करना है। देखिए दोस्तों मेरे ये टेकोज बन के तैयार हो गए। चटपटे टेकोज है, आप लोग खाने में बड़ा मजा आएगा, जरूर बना के खाना।